किसान मोर्चा लुधियाना वालों किसान जथेबंदियों के हक के एक विशाल रोस मार्च कढ़िया जा रहा। यह मार्च वड्डी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चो रिटायर हुए हैं, एडीओ से यूनियन से पहला बड़े आगू रहे हैं, तो साढ़े किसान जथेबंदी के प्रधान डॉक्टर सुखनाथ सिंह जनाला उन्होंने कुलीग रहे उस जथेबंदी के तैयार रहे डॉक्टर सुखपाल सिंह जी सिख संघर्षशील भैनों ते भराओ मेरे प्यारे बच्चों अज मैं थोड़े नाल अज दिया साथियों नूं मूहरों हटा के उन्होंने रस्ता बनाया जा रहा वा। बहुत सारिया बीबिया के जत्थे आंगनवाड़ी वाली बीबिया सीटू दियां सीटीयू दियां ते जमहूरी किसान सभा दियां बीबिया जिहड़ियां लगातार वो जत्थे शामिल हो रही ने उन्होंने स्पैशली जगह का प्रबंध करना पै रहा। जो जगह का प्रबंध किया गया सी वो लगातार जगह घटती हुई दिखाई दे रही है। तुसीं देख रहे हो कि जत्थियां दा समुचे वीरो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुसीं जानदे हो जिहड़ा अपना यह संघर्ष है यह बहुत ही भयानक जहरीले दो मनुखां दे खिलाफ है। एक मोदी ते दिल्ली की राजगद्दी ते कब्ज है और असी लोग पूरे देश के अंदर दिल्ली की सह रग नप के एक नवा इतिहास सिरजिया है। भावे लुधियाने जिले च असी ढाई महीने तो जगराओं स्टेशन ते बैठे हैं, वड्डे धरने मुजारे कीते हैं, चौंकी मन टोल प्लाजे ते बैठे हैं। अज वड्डी संगत उत्थों चल के सांझे तौर ते इत्थे आई है। सुधार दा रकबे दा टोल प्लाजा उत्थे किसान जथेबंदियां रल के बैठी हैं। असी पंप के रे जगराओं के किन्ने ही माल रिलायंस ने बंद कराए हुए हैं, जियो दे दफ्तर बंद कराए हैं। एक कल्ले जगराओं लुधियाने के अंदर नहीं पूरे पंजाब के अंदर असी एक बराबर की सत्ता बराबर की पावर बराबर की सरकार जिन्हों जनतक सरकार लोग सरकार कहते हैं वो असी खड़ी करती है। ते अज वो लोगों की सरकार लोगों का हजूम लोगों की लहर किसान लहर तो उपर बढ़ के अज दिल्ली जम्मी बैठी है। दो दिन दिल्ली लाए हैं, ऐ लगता है जिवें पूरा देश रंग बिरंगा गुलदस्ता अज दिल्ली के अंदर जुड़ गया। अज ये 32 किसान जथेबंदियां ने पूरे देश को एकजुट किया है। अज पूरे देश के सामने एक निशाना दिता है कि अमरीका वर्गिया वड्डिया जो तक ताकतों के सिर पर जिहड़ा WTO दियां हदायतों की पालना करता पहला मनमोहन सिंह राजगद्दी खुआ बैठा है। अज उसदिया पैरों पर चल के उदों भी 100 गुणा अगे जाके निजीकरण उदारीकरण खुली मंडी की नीति राही साडे मुल्क नूं अज खेती सैक्टर नूं हड़पना चाहुंदा है। अज देश के लोगों ने बच्चे ने गल समझ ली है कि खेती सैक्टर नूं उजाड़न दा राह खेती दियां मंडियां नूं उजाड़न दा राह फसलां नूं खोण दा राह फसलां ते MSP AMC खत्म करना रहा जिहड़ा यह साडा एक मौत का वारंट है। अज इन्हां मौत के वारंटा के खिलाफ जे अज खड़कत उठी है तो यह खड़कत इस गल की सूचक है कि आउंदे दिनों के अंदर यह लोक लहर यह लोगों की जंग मोदी नूं अपने गोडियां दे हेठां लऊगी और मोदी का फस्ता कटूगी। मैं एक गल कहनी चाहना कि रात रवि शंकर प्रशांत सिंह जिहड़ा इन्हां दा मंत्री आ भाजपा दा वह बकवास कर रहे हैं TV के उत्ते। पहला खालिस्तानियों नाल जोड़न की गल की हुण माओवादियों नाल जोड़न की गल की वह कहिंदा टुकड़े टुकड़े गैंग इस अंदोलन के शामिल हो चुके हैं। उस रवि शंकर प्रशांत को मोदी को अमित शाह को उस गुंडे को यह दस देना चाहते हैं
कि जिहड़ी तुसीं इह भुलेखा पालिया जिहड़ा भरम तुसीं पालिया कि शायद इस अंदोलन नूं किसानां दी इह सच्ची सुच्ची लहर नूं लोकां दी लहर नूं इहनां बहानियां दे नाल तू खत्म कर देगा। तेरे बहाने लोगों ने समझ लिया है, ये मिट्टी च मिला दिते जाणगे। जिहड़ा भी वार तू साडे इस लहर ते करेगा उह तू दुगने तिगने वेले दे नाल देश दे लोक किरती लोक तेरे इहनां हमलिआं दा इहनां वारां दा मुकाबला करनगे। मैं इक नारा ला के अपनी थां लाऊंगा। मेरा नारा मोदी तेनू वहम है, तुसीं जवाब देना है। साडा इक कैम है, साडा इक किसान साथियों तुसी धन्यवाद, थोड़ा सारे का धन्यवाद। तुसी बधाई दे पात्र हो, जिहड़े मोटा दे टोले लुके बैठे सी अज उन्हां नूं तुसी बाहर कढ के सड़कां ते लिआंदा, ए थोड़ी देर नहीं है। कि कहिंदे सी असीं वी ट्रैक्टर मार्च करने आ, असीं वी स्कूटर मोटरसाइकिल मार्च करने आ। नहीं साथियों, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਖੇਗਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਦੋਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਲਈ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬਣ ਚੱਲੇ, ਉਂਗਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਬਣਨੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਟੇ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਬੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਦਈਏ। 3 ਕਰੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਤੋਰ ਦੋ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਣਕ ਮੈਂ